Hello everyone, today we will discuss about a very interesting topic, and that is the chapter 1 of history, the rise of nationalism in Europe. So let's start our topic. This topic is related to the nationalism, that means the Desh Bhakti in Europe. How the rise nationalism in यूरोप की यूरोप के अंदर जो किंगडम था जो कंजर्वेटिव्स थे उनकी जगह जो मोनार्की सिस्टम था उसकी जगह कैसे वहाँ पर नेशन स्टेट्स क्रिएट हुए. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस दिस चैप्टर इन सिक्स पार्ट जो कि आपकी बुक के अंदर गिवन है. तो हम उन्हीं सिक्स पार्ट के अकॉर्डिंग इस चैप्टर को पढ़ेंगे. तो सबसे पहला जो हमारा जो इस चैप्टर का पार्ट है दैट इज़ फ्रेंच रिवॉल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ नेशन. तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन एंड आइडिया ऑफ द नेशन दैट इज़ द पार्ट वन. फ्रेंच रिवॉल्यूशन एंड आइडिया ऑफ नेशन मीन्स फर्स्ट ऑफ ऑल जो नेशन का आइडिया आया और जो नेशन जो हम कहें कि पूरी तरीके से जो नेशन बना जो यूरोपियन पीपल्स के पास जो आइडियाज़ आए नेशनलिज्म के जो मॉडल रोल प्ले किया जिस नेशन ने डेट वॉज फ्रेंच. फ्रांस ने मॉडल रोल प्ले किया पूरे यूरोप के लिए और पूरे कंजर्वेटिव्स के अगेंस्ट में जो मोनार्चियल सिस्टम को सपोर्ट करते थे उनके अगेंस्ट में वहाँ पर नेशन बना. नेशन बनने का मतलब कि वहाँ पर कॉमन पीपल के साथ यूनिफॉर्म लॉज अप्लाई, कॉमन पीपल्स के साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं हुआ, वहाँ इक्वल राइट्स मिले सबको, यूनिफॉर्म लॉज मिले और साथ में जो पीपल था उनका रूल हुआ, उनका कंट्रोल हुआ. तो ऐसा वहाँ पर कि ऐसा क्या हुआ वहाँ पर जिसकी वजह से जो फ्रांस था जहाँ मोनार्चियल सिस्टम था जहाँ लुई 16 का रूल था जहाँ बॉर्बन डायनेस्टी थी वहाँ पर ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से वहाँ पर मोनार्चियल सिस्टम हट कर वहाँ डेमोक्रेसी और रिपब्लिक या नेशन स्टेट क्रिएट हुए, या फिर उन्होंने ऐसा कौन से स्टेप्स लिए जिनकी वजह से वहाँ पर नेशन बनने में उन्हें सक्सेस मिली. तो वहाँ पर बहुत ही इजी या बहुत ऐसे स्टेप्स जिनके बारे में हम डिस्कस करेंगे जिनसे लोगों के बीच में सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटीज़ आई. सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटीज़ का मतलब है कि लोगों के अंदर एक हुए, यानी लोगों के अंदर यूनिटी आई. तो लोगों के अंदर यूनिटी आने के लिए जो फ्रांस है वहाँ के कॉमन पीपल्स को एक करने के लिए उन्होंने ये सारे, तो वो ये थे कि आइडियाज़ ऑफ ला पैट्री मतलब सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटीज़ के लिए उन्होंने क्या किया. दीज आर द फॉलोइंग स्टेप्स विच दे हैड फॉलोड एंड दे अचीव फ्रीडम और रिपब्लिक और डेमोक्रेटिक इन फ्रांस. इंडिया आइडिया ऑफ ला पैट्रन एंड ली सिटियोन वर्ड एंड इक्वल राइट अंडर कॉन्स्टिट्यूशन. कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर किसी भी इंसान को उन्होंने मेल या फीमेल में डिस्क्रिमिनेशन ना करकर उन सबको कॉमनली ली सिटियोन बोला. ली सिटियोन मीन्स सिटीजन, कि वी वर ऑल द सिटीजन ऑफ फ्रांस. एंड जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अंदर जितने भी राइट्स दिए, जितने भी उनको रूल रेगुलेशंस दिए वो सारे इक्वल थे, यानी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर सभी लोगों को इक्वली ट्रीट किया गया. कि जैसा हमने फ्रेंच रिवॉल्यूशन के अंदर पढ़ा था कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन के अंदर कुछ एक ऐसे प्रिविलेजेस थे जो
कि सिर्फ एक क्लर्जी या फिर नोबिलिटीज़ को या फिर जो अपर क्लास के जो एरिस्टोक्रेसीज थे उनको मिला हुआ था। बट यहाँ पर हमने ये देखा कि जो फ्रांस था उसको नेशनलिज्म में या सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटीज़ में सबसे इम्पॉर्टेंट रोल तब मिलता है जब इक्वल राइट अंडर कॉन्स्टिट्यूशन मिलता है, तो लोगों के अंदर नेशनलिज्म की फीलिंग्स डेवलप होती हैं। नाउ न्यू फ्रेंच फ्लैग द ट्राई कलर वॉज रिप्लेस बाय द रॉयल फ्लैग। देखो बेटा, रॉयल फ्लैग है तो रॉयल फ्लैग किसको रिजेंबल करेगा? रॉयल फ्लैग किंग को रिप्रेजेंट करेगा और किंग को सिंबलाइज करेगा कि यहाँ मोनार्चियल रूल है, यानी यहाँ हमारी मर्जी या कॉमन पीपल की मर्जी बिल्कुल नहीं चलेगी। यहाँ किसकी मर्जी चलेगी? यहाँ पर ओनली और ओनली किंग की चलेगी। बट उस फ्लैग को उन्होंने रिप्लेस कर कर एक कॉमन पीपल का फ्लैग बनाया जिसे कोई भी होस्ट कर सकता है। तो जब वो उस फ्लैग को होस्ट करेगा तो उसे अपने आप ऑटोमेटिक अंदर से फीलिंग आएगी कि मैं इस नेशन का मेंबर हूँ। स्टेट जनरल वॉज इलेक्टेड। अब आप लोगों ने, हम लोगों ने फ्रेंच रिवॉल्यूशन जो क्लास नाइन्थ में पढ़ा था उसमें हमने ये देखा था कि जो यहाँ पर वोटिंग राइट मिले हुए थे वो सिर्फ एक्टिव सिटीजन्स को मिले हुए थे। एंड हु आर द एक्टिव सिटीजन्स? एक्टिव सिटीजन्स कौन थे? हु गिवन द टैक्स एंड हु अबव द 25 ईयर मेल ओनली। इस टाइप पर फीमेल्स को एक्टिव सिटीजन्स नहीं बोलते थे और जो टैक्स पेयर नहीं थे उनको एक्टिव सिटीजन्स। तो यहाँ पर जो स्टेट जनरल थी, जो रॉयल पीपल की स्टेट जनरल थी, उसकी जगह उन्होंने एक्टिव सिटीजन्स के साथ मिलकर उन्होंने नेशनल असेंबली यानी स्टेट जनरल को एक्टिव सिटीजन्स ने इलेक्ट करके मेंबर्स चूज कर लिए। और उस जो एक्टिव मेंबर्स ने जो मेंबर्स चूज करे उसके बाद में इस स्टेट जनरल को नेम रिप्लेस कर कर और क्या रख दिया? नेशनल असेंबली। क्या नेम हो गया उसका एक्टिव सिटीजन्स के? नेशनल असेंबली। अब उसके बाद में सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटीज के लिए कॉमन पीपल से कुछ ओथ ली गई, कुछ ऐसे सेंटिमेंटल सेंटिमेंट्स सॉन्ग कंपोज किए गए, हाइमन्स कंपोज किए गए जिससे कि लोगों के अंदर नेशनलिज्म की फीलिंग डेवलप हो। इसके बाद में वहाँ पर जितने भी रूल रेगुलेशंस बने दे वर ऑल आर यूनिफॉर्म, मतलब कि उन जो रूल रेगुलेशंस थे उनके अंदर कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं रखा कि ये कॉमन पीपल का है और ये फ्यूडल, ये जो है वो नोबिलिटीज़ का या क्लर्जी का। तो कॉमन या यूनिफॉर्म लॉज रखे गए। साथ में जो फ्रेंच थी वो वहाँ के रॉयल पीपल्स का या हम आगे पढ़ेंगे एरिस्टोक्रेसीज की सिंबल था, तो उसे रिप्लेस कर कर जो फ्रेंच थी वो नेशन लैंग्वेज बनाई गई, पूरे नेशन की लैंग्वेज बनाई गई। तो इस तरीके से इन स्टेप से, देखो बेटा इन सारे स्टेप से ऑटोमेटिक हम देखें तो हमें ऐसा लगेगा कि हाँ अब जो कॉमन पीपल था उसको ये लग रहा था कि हाँ अब हमारा नेशन है, अब हम इस नेशन के मेंबर हैं या हमारे साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं। तो सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटीज़, नेशन की फीलिंग्स जो डेवलप हुई वो इन सब चीज़ों से हुई। तो दिस इज़ द इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस टॉपिक। ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है जो कि CBSE में 5 मार्क्स के क्वेश्चन में डेफिनेटली या अल्टरनेट ईयर्स में बहुत बार पूछा जाता है, तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब इसको देखकर, क्योंकि मैंने पहले भी बताया कि फ्रांस एक रोल मॉडल था, तो इसकी इन स्टेप्स को देखकर रेस्ट ऑफ यूरोप के अंदर भी उसका इन्फ्लुएंस पड़ने लगा। अब आपने पढ़ा था एक जैकोबिन क्लब जिसने रिपब्लिक इस्टेब्लिश किया था कहाँ पर? यूरोप, सॉरी फ्रांस में। अब जो जैकोबिन क्लब थे वो यहाँ से फ्रांस से हटकर फ्रांस में तो था ही और रेस्ट ऑफ यूरोप के अंदर भी जो स्टूडेंट थे, जो एक्टिव पॉलिटिशियंस थे, उन्होंने सेटअप करना स्टार्ट कर दिया। यानी रेस्ट ऑफ यूरोप के अंदर भी फ्रांस को देखकर क्या बनने लग गए? जैकोबिन क्लब। अब बात करते हैं हम कि 1799 के अंदर यहाँ पर फ्रांस के अंदर 1799 में फ्रांस के अंदर कौन आया? फ्रांस के अंदर आया नेपोलियन बोनापार्ट। कब आया? 1799 में
नेपोलियन आया। अब नेपोलियन ने अपने 1799 में आने के बाद में 1804 में अपने सिविल कोड लेकर आया, यानी अपने कुछ रूल रेगुलेशंस उसने फॉलोड करवाए पीपल से। तो 1804 में जो सिविल कोड उसने इम्प्लीमेंट करवाए वो थे क्या? इनके अंदर कुछ तो बहुत अच्छे थे और बहुत कुछ एक बहुत ख़राब भी थे, जिसकी वजह से इनिशियल स्टेज में तो नेपोलियन को बहुत लाइक किया गया, बट लेटर उसके कुछ जो ख़राब सिविल कोड थे उसकी वजह से नेपोलियन को डिसलाइक भी करने लग गए लोग। तो हम सबसे पहले जो उसके अच्छे काम थे उनके बारे में डिस्कस करेंगे कि उसने ऐसे कौन से अच्छे काम किए जिसकी वजह से उसकी पॉपुलरिटी हुई। सो इक्वलिटी बिफोर द सिविल कोड के अंदर जो सबसे पहला और जो सबसे इम्पॉर्टेंट उसने जो काम किया जो कि बहुत अच्छा था, एक्चुअली में जो नेपोलियन था उसने टोटली डेमोक्रेसी को डिस्ट्रॉय कर दिया था। बट इन सारे रिफॉर्म से या सिविल कोड से हमें नहीं लगता कि उसने डिस्ट्रॉय किया था, बट इनके बाद में मैं बताऊंगी कि उसने कौन से ऐसे स्टेप्स लिए, ऐसे कौन से सिविल कोड थे जिनकी वजह से ये लगा कि नेपोलियन ने डेमोक्रेसी को डिस्ट्रॉय कर दिया। सो जो फर्स्ट जो सबसे इम्पॉर्टेंट है उसके सिविल कोड में, दे अप्लाई द इक्वलिटी बिफोर द लॉ, जो सब लोग चाहते थे, जो हर इंसान चाहता है आज भी चाहता है कि इक्वलिटी बिफोर द लॉ, कि सबको इक्वल लॉज इम्प्लीमेंट हो, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं हो, सबके लिए इक्वली लॉज होने चाहिए। तो उसने ये सबसे अच्छा काम किया कि इक्वलिटी बिफोर द लॉ एंड सिक्योर राइट टू प्रॉपर्टी, यानी राइट टू प्रॉपर्टी हमारी प्रॉपर्टी है तो हमारे पास होनी चाहिए। तो उसने अपनी जो प्रॉपर्टी थी उसको सिक्योर किया कि सबको अपनी अपनी प्रॉपर्टी रखने का राइट है। जैसे हमने पढ़ा या आगे पढ़ेंगे कि एरिस्टोक्रेसीज थे जिनके पास सारी लैंड हुआ करती थी और जो पीसेंट्स थे वो उनके वहाँ वर्कर्स हुआ करते थे। तो भाई पीसेंट्स को अपने पास अपनी प्रॉपर्टी रखने का राइट नहीं है, ऐसा नहीं है। तो इन्होंने नेपोलियन ने सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे अच्छा काम किया कि जो इक्वलिटी बिफोर द लॉ एंड राइट प्रॉपर्टी, बट नेपोलियन फीमेल्स के अगेंस्ट था, उन्होंने फीमेल्स के लिए सपोर्ट नहीं किया कि फीमेल्स के लिए ये कहा हो कि राइट टू प्रॉपर्टी फीमेल्स में के लिए भी है। अब सेकंड जो आता है इम्पॉर्टेंट, दैट वॉज सिंप्लीफाइड द एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीज़न। जो एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीज़न था, जो बहुत कॉम्प्लिकेटेड डिवीज़न था, उसको उसने सिंप्लीफाई किया, उसने ईजी किया। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप ही वॉज टेकन, अबॉलिश द फ्यूडल सिस्टम। हमने वहाँ देखा कि एरिस्टोक्रेसीज के पास कुछ स्पेशल राइट्स थे, तो उन जो राइट्स थे उनको उसने अबॉलिश, फ्यूडल सिस्टम अबॉलिश किया गया। नेक्स्ट है ग्रेड रेस्ट्रिक्शंस वर रिमूव, कि जो कस्टम ड्यूटीज़ लगा रखी थी, जो टैक्सेशंस लगा रखा था गुड्स पर कि इधर से उधर मूव करेंगे तो टैक्स लगेगा, हैवी टैक्सेस लगेंगे, उन टैक्सेस को रिमूव किया और ट्रेडर्स को इजीली ट्रेड करने में सुविधा हुई, फ़ायदा मिला उन लोगों को। तो उन्होंने अबॉलिश क्या किया, ग्रिड सिस्टम के रेस्ट्रिक्शंस को रिमूव किया। और जो हम आगे जाकर पढ़ेंगे भी कि ऐसे कुछ कस्टम यूनियंस भी बने और उन्होंने कन्फर्डेशन भी किया जर्मनी का, 39 छोटे छोटे जो स्मॉल स्टेट्स थे उनका कन्फर्डेशन भी किया। वो इसीलिए किया क्योंकि वहाँ से ग्रिड सिस्टम हट सके, जो टैरिफ्स लगाए गए हैं, जो टैक्सेशंस लगाए गए हैं, जो हैवी टैक्सेशंस हैं उनको रिमूव किया जा सके। उसके बाद में इम्प्रूव द ट्रांसपोर्ट, उन्होंने ट्रेड के लिए इम्प्रूव द ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, उन्होंने इम्प्रूव किया ट्रांसपोर्टेशन एज वेल एज कम्युनिकेशन। तो दीज ऑल स्टेप्स आर गुड और लोगों को बहुत अच्छा लग रहा था। जहाँ पर नेपोलियन की जो आर्मी थी, जो यूरोप का एरिया कॉन्क्वेयर कर रही थी, जो जीत रही थी, वहाँ के लोग उसका वेलकम कर रहे थे, वहाँ के लोग बहुत खुश थे कि हमें यहाँ पर इतनी आज़ादी मिलेगी, इक्वल राइट्स मिलेंगे। तो सबसे पहले जो सिविल कोड उसने अप्लाई किया
वो यूरोप में किया, सॉरी फ्रांस में किया, और फ्रांस के साथ उसने इस चीज़ को कहाँ पर किया, स्विट्ज़रलैंड में किया, जिसको उसने डच रिपब्लिक जो था एरिया जिसे उसने कॉन्क्वेयर किया था उसमें, डच रिपब्लिक कॉन्क्वेयर एरियाज में स्विट्ज़रलैंड जो था उसने उससे जीत लिया था, तो वहाँ पर सिविल कोड अप्लाई किया। उसके बाद में उसने किया इटली एंड जर्मनी के अंदर, और यहाँ के लोग इनिशियली बहुत खुश थे क्योंकि जो ट्रेड और ट्रांसपोर्ट में जो दिक्कत आ रही थी, जो बैरियर्स आ रहे थे वो रिमूव हो गए, लोगों को बिज़नेस क्लास जो पीपल्स थे उनको फ़ायदा मिला, एक नया बिज़नेस क्लास को एक नई फ्रीडम मिल रही थी, स्मॉल स्केल जो प्रोड्यूसर्स जो गुड्स प्रोड्यूसर्स थे वो भी खुश थे क्योंकि ये जो रेस्ट्रिक्शंस लगे हुए थे उनको हटा दिया, और इवन ट्रेड और ट्रांसपोर्टेशन और कम्युनिकेशन सिस्टम को उसने स्ट्रॉन्ग किया, वेट एंड मेज़रमेंट जो था उसको यूनिफॉर्म किया, यानी वेट और मेज़रमेंट जो था अलग अलग जगह अलग अलग था उसको हटाकर उसने कॉमन वेट और मेज़रमेंट जो एक स्टैंडर्डाइज और एक ऑथेंटिक जो वेट मेज़रमेंट था उसको अप्लाई किया। इसके साथ वो लोग अब इजीली गुड्स और कैपिटल को एक्सचेंज कर पा रहे थे, बट अब क्या होता है कि इनके जो इस चीज़ को उन्होंने जहाँ जहाँ उसने जीता, जैसे ब्रुसेल्स को जीता या वॉर्सो को जीता, तो वहाँ पर इस लिबर्टी के लिए जो फ्रांस आर्मी थी उसका वेलकम किया जा रहा था, बट उसके ऐसी कौन सी एक्टिविटीज़ थी जिसकी वजह से उसे बाद में डिसलाइक किया करने लगे, तो वो था सिविल कोड में फर्स्ट इम्पॉर्टेंट कि उसने टैक्सेस इंक्रीज कर दिए थे, वो फर्स्ट क्या टॉपिक था जिसकी वजह से उसे डिसलाइक होना पड़ा, तो फर्स्ट था टैक्सेशन इंक्रीज। टैक्सेशन क्या हो गया था, इंक्रीज कर दिया था, जो लोग उसको बियर नहीं कर पा रहे थे, लोग उसको बियर नहीं कर पा रहे थे, जो टैक्स उसने इंक्रीज कर दिया था। सेकंड उसका इम्पॉर्टेंट कि टैक्सेस इंक्रीज हो जाएंगे तो जो पुअर क्लास पीपल हैं या जो लो मिडिल क्लास पीपल हैं या मिडिल क्लास पीपल हैं वो उस टैक्स को बियर नहीं कर पा रहे थे, और उसे टैक्स क्यों ज़्यादा चाहिए था, क्योंकि वो आर्मी को पूरे यूरोप को जीतना चाहता था, तो वो आर्मी के ऊपर उसका जो था एक्सपेंडिचर वो ज़्यादा होते जा रहे थे, और जितना ज़्यादा बढ़ रहा था आर्मी का बर्डन उतना ही ज़्यादा वो टैक्सेशन इंक्रीज कर रहा था। सेकेंड जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट था दैट वॉज द सेंसरशिप। सेंसरशिप क्या होती है बेटा, सेंसरशिप होती है द कंट्रोल, इट इज़ अ पार्ट ऑफ कंट्रोलिंग फ्रीडम। सेंसरशिप का मीन्स है कि मीडिया के अंदर आप अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं राइट कर सकते हो या कुछ भी लोगों को नहीं बता सकते हो, जो गवर्नमेंट कहेगी या फिर जो नेपोलियन कह रहा था वही चीज़ पब्लिश हो रही थी, तो कहीं ना कहीं सेंसरशिप के थ्रू, क्योंकि मीडिया एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है फ्रीडम में, तो कहीं ना कहीं सेंसरशिप पीपल्स की फ्रीडम को बाउंड कर रही थी। तो एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसकी वजह से लोगों को ये धीरे धीरे ये एहसास होने लग गया था कि हमारी फ्रीडम कंट्रोल हो रही है, हम हमारे व्यूज़ को खुलकर एक्सप्रेस नहीं कर सकते। जब इंसान खुलकर अपने व्यूज़ को एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा तो ट्रू वैल्यू में वो फ्रीडम या वो फ्री नहीं है। थर्ड जो इम्पॉर्टेंट उसने स्टेप्स लिए डेट वॉज forced to join army, he was forced to join army, वो हर किसी को फोर्स करता था आर्मी में ज्वाइन करने के लिए। देखो बेटा, हिस्ट्री बार बार रिपीट होती है, हिटलर ने भी फोर्स किया था आर्मी को ज्वाइन करने के लिए, यहाँ पर भी नेपोलियन क्या कर रहा था, फोर्स कर रहा था पीपल्स को कि वो आर्मी ज्वाइन करें। तो इस तरीके से ये जो लोग थे, ये जो नेपोलियन था, उसको इन तीन वजह से, इन दीज थ्री रीजंस विच बाय विच द नेपोलियन डिसलाइक। ओके, तो दीज आर द इम्पॉर्टेंट, और ये एग्ज़ाम के पर्पज़ से भी इम्पॉर्टेंट है। अब क्या होता है नेक्स्ट, जो एरिस्टोक्रेसीज थे, अब 1915 के अंदर, 1915 के अंदर क्या होता है, अब हम डिस्कस करेंगे वाटरलू और ट्रीटी ऑफ वियना।
जबकि दिस इज़ द पार्ट ऑफ चैप्टर टू, ये चैप्टर वन का पार्ट था जो मैंने कंप्लीट कर दिया। अब हम डिस्कस करेंगे चैप्टर पार्ट टू, मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। अब बात करते हैं हम कि एरिस्टोक्रेसीज और मिडिल क्लास, एरिस्टोक्रेसी हुआर द एरिस्टोक्रेसी, एरिस्टोक्रेसी वो रॉयल पीपल थे जिनके पास 98% क्या 100% लैंड थी एंड दे वर द 2% पॉपुलेशन। वो रॉयल पीपल्स थे और वो लग्जरियस लाइफ जीने वाले लोग थे जो 2% थे, बट ही हैड होल्ड 98% लैंड, जो जमीन थी उसका 98% लैंड का पार्ट यही होल्ड करते थे। एंड दे यूज टू फ्रेंच लैंग्वेज, अपनी रॉयल्टी को शो करने के लिए वो कॉमन पीपल से अलग लैंग्वेज बोलते थे। अब पीसेंट्स कौन थे, जो मिडिल क्लास पीपल, अब इनके अंडर में कौन थे, पीसेंट्स, कौन थे पीसेंट्स, ये पीसेंट्स जो थे वो इनके यहाँ पर, क्योंकि इनके पास 98% लैंड है तो ये जो पीसेंट्स थे ये यहाँ पर काम करते थे इनके यहाँ पर, और इनसे इनकी जो लग्जरियस लाइफ थी वो स्पेंड करने के लिए टैक्सेशन भी ये पीसेंट्स देते थे। इनके पास ज़मीन भी नहीं है और इनके पास टैक्सेशन भी है। इन्हीं के अंदर से जो पढ़े लिखे लोग थे वो कौन थे, मिडिल क्लास, मिडिल क्लास पीपल कौन थे, जो बिजनेसमैन थे, जो एजुकेटेड पीपल थे, जो लॉयर्स थे। उन्होंने कहा कि ऐसा भेदभाव क्यों सोसाइटी में, वी ऑल आर इक्वल। तो जो लिबरल का कॉन्सेप्ट आया, इक्वालिटी का कॉन्सेप्ट आया, वो इस क्लास का था, यानी मिडिल क्लास पीपल किसको सपोर्ट करते थे, लिबरलिज्म को। लिबरलिज्म मींस फ्रीडम, और उस टाइम की जो 19th सेंचुरी और लास्ट 18th सेंचुरी की जो लिबरलिज्म की डेफिनेशन थी वो अलग थी आज के लिबरलिज्म से। फ्रीडम मींस क्या था वहाँ पर, फ्रीडम मींस था ओनली द फ्रीडम मींस था इक्वलिटी बिफोर द लॉ, साथ में गवर्नमेंट कुछ भी करती है तो उससे कंसर्न ले, यानी उस मिडिल क्लास पीपल ये चाहता था कि जो भी गवर्नमेंट स्टेप लेती है वो विदाउट कंसर्न नहीं होना चाहिए, उस पर डिसीज़न, उस पर डिस्कशन होना चाहिए, उसके बाद में उसका कंसर्न होना चाहिए। तो दीज ऑल आर अबाउट द फ्रीडम, पॉलिटिकल फ्रीडम मीन्स हेयर इज नॉट रिलेटेड टू द राइट टू वोट। यहाँ पर जो आज यूनिवर्सल सफरेज की जो बात करते हैं, यूनिवर्सल फ्रेंचाइजी की जो बात करते हैं, उससे रिलेटेड नहीं था फ्रीडम। फ्रीडम का मतलब था सिर्फ और सिर्फ जो भेदभाव हो रहा है, जो इक्वलिटी नहीं है, इक्वल बिफोर द लॉज, एंड गवर्नमेंट जो भी कुछ कर रही है बाय कंसर्न करे। तो दिस इज़ कॉल्ड पॉलिटिकल लिबरलिज्म। नाउ अभी हमने बात की कि बहुत सारे टैरिफ्स थे, बहुत सारे कस्टम्स थी, बहुत सारी रेस्ट्रिक्शंस थी ट्रेड के अंदर वहाँ पर, और बहुत सारे छोटे स्टेट्स थे जिन्होंने अलग अलग अपनी करेंसीज चला रखी थी। तो इस सब से को हटाने के लिए वहाँ पर इकोनॉमिक लिबरलिज्म भी हुआ। इकोनॉमिक लिबरलिज्म का मतलब दिस इज़ द फ्रीडम एंड गवर्नमेंट कंसर्न एंड इक्वलिटी बिफोर द लॉ इज कॉल्ड इक्वलिटी बिफोर द लॉ इज कॉल्ड लिबरलिज्म, पॉलिटिकल लिबरलिज्म। बट इकोनॉमिक लिबरलिज्म मीन्स इकोनॉमिक लिबरलिज्म मीन्स क्या है, इकोनॉमिक लिबरलिज्म मीन्स रिमूव्ड टैरिफ्स। टैरिफ्स क्या होते हैं, टैक्सेस।
जो इंटरनेशनल बाउंड्रीज़ पर लगते हैं। इंटरनेशनल बाउंड्रीज़ पर जो टैक्स लगते हैं दे आर कॉल्ड टैरिफ्स। तो रिमूविंग टैरिफ्स, साथ में टैरिफ्स को एंड यूनिवर्सल और स्टैंडर्डाइज द वेट एंड मेज़र, स्टैंडर्डाइज द वेट एंड मेज़र डेट इज़ इन। और जो स्टेट्स ने इम्पोज कर रखे थे जो रेस्ट्रिक्शंस, उनको रिमूव करना, डेट इज़ कॉल्ड इकोनॉमिक लिबरलिज्म। एंड दिस इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर अ गुड ट्रेड एंड कॉमर्स एंड बिजनेस क्लास पीपल। तो बिजनेस क्लास पीपल्स को जो स्टैंडर्डाइज वेट मेज़र नहीं था, उसके लिए जो प्रॉब्लम्स क्रिएट होती थी, जो ट्रेड बैरियर्स थे उनकी वजह से जो मूवमेंट होता था कैपिटल एंड गुड्स का, उसमें प्रॉब्लम्स आती थी, उनको रिमूव करना। इसी रिमूव के अकॉर्डिंग एक ऑर्गेनाइजेशन या एक कस्टम यूनियन बनाया 1834 के अंदर पर्शिया ने, डेट वॉज द जोल्वियन। अब जोल्वियन क्या था, इसके बारे में बहुत बार क्वेश्चन आता है कि व्हाट वॉज द जोल्वियन। जोल्वियन क्या था, तो जोल्वियन जो था डेट वॉज द कस्टम यूनियन एंड इट वॉज फॉर्म्ड 1834 बाय द पर्शिया। ये कब बना था, 1834 में पर्शिया ने बनाया था, बाय द जर्मनी के जो छोटे छोटे स्टेट से जो कन्फर्डेशन किए गए थे, उनकी जो करेंसीज थी उस 32 करेंसी को रिमूव कर उन्होंने कितनी करेंसी कर दी, 2 करेंसी, जिसकी वजह से, और साथ में जो ट्रेड बैरियर से जो रेस्ट्रिक्शंस थे उनको रिमूव किया गया। तो दिस इज़ द कस्टम यूनियन एंड ये कोई और वर्ड नहीं है जो आप डरो, दिस इससे रिलेटेड बहुत बार क्वेश्चन आता है, तो दिस इज़ द कस्टम यूनियन। नाउ अब क्या हुआ कि उसका बोलबाला, नेपोलियन का बोलबाला बढ़ता जा रहा था और नेशनलिज्म की फीलिंग्स डेवलप हो रही थी, कहीं ना कहीं लोगों को प्रॉब्लम होने लगी, और साथ में जो मोनार्चियल सिस्टम था रेस्ट ऑफ यूरोप में, उनको डर लगने लगा कि कहीं यूरोप पूरा का पूरा नेपोलियन ना जीत ले। तो नेपोलियन को डिफीट करने के लिए ऑस्ट्रिया, ब्रिटेन, रशिया एंड पर्शिया, ऑस्ट्रिया, ब्रिटेन, पर्शिया एंड रशिया, ये सब मिलकर, इन सब ने मिलकर एक कॉमन वॉर करी, इन सब ने मिलकर एक कॉमन वॉर किसके अगेंस्ट में करी, नेपोलियन के अगेंस्ट में। और नेपोलियन के अगेंस्ट में तो इसमें नेपोलियन क्या हुआ, डिफीट हो गया। ये दिस वॉर इज 1815 वाटरलू वॉर, और ये वॉर थी जिसके अंदर नेपोलियन क्या हुआ, डिफीट हुआ। इस डिफीट होने के बाद में इसके साथ ट्रिटी हुई, नेपोलियन ट्रिटी ऑफ वियना, एंड यू एवरीवन नो द वियना इज कैपिटल ऑफ ऑस्ट्रिया। कैपिटल किसकी थी, ऑस्ट्रिया की थी। तो ऑब्वियस ही बात है, जब ऑस्ट्रिया के अंदर, कैपिटल के अंदर ट्रिटी हो रही है, तो इसको होस्ट करने वाला यहाँ का चांसलर ड्यूक मैटरनिच था, द होस्टेड बाय ड्यूक मैटरनिच। और इसके बारे में बहुत बार बहुत कुछ आएगा, इसके बहुत सारे स्टेटमेंट्स हैं जो यहाँ एग्ज़ाम में आते हैं। तो ड्यूक मैटरनिच ने क्या किया, सबसे पहले उन्होंने देखा कि यहाँ रिपब्लिक और डेमोक्रेसी की वजह से ही नेपोलियन का बॉर्न हुआ, तो अगर डेमोक्रेसी को हटा देंगे और रिपब्लिक सिस्टम को हटा दिया, तो यहाँ पर अगर हमने वापस से मोनार्चियल सिस्टम इस्टेब्लिश किया, तो वापस से ऐसे नेपोलियन जैसा पावरफुल पीपल वापस यूरोप में नहीं आएगा। एंड दे ऑल आर सपोर्टेड कंजर्वेटिव्स और मोनार्चियल सिस्टम। तो इनका जो ट्रीटी ऑफ वियना का जो सबसे इम्पॉर्टेंट मकसद था, जो एम था, डेट वॉज रीस्टोर मोनार्चियल सिस्टम अगेन इन फ्रांस, फ्रांस के अंदर मोनार्चियल सिस्टम को इस्टेब्लिश करना था।
और मोनार्चियल सिस्टम वहाँ पर रीस्टोर भी की गई, और बॉर्बन डायनेस्टी के जो किंग थे उनको तो उन्होंने पहले ही ख़त्म कर दिया था। तो अब वहाँ पर जो नया किंग बनाया उसके कज़न को, लुई फिलिप्स को, और जितना भी उसकी टेरिटरी थी फ्रांस की, जितनी भी जीता हुआ एरिया था उसको इन लोगों ने आपस में बांट लिया। साथ में उसके अलावा अब फ्रांस कभी अपनी वापस से इतना पावरफुल कंट्री ना बन सके, उसी के लिए फ्रांस की टेरिटरीज़ के पास में स्मॉल स्मॉल स्टेट्स बना दिए गए, जिसकी वजह से जो फ्रांस है वो अगली बार अपना एरिया एक्सटेंड नहीं कर पाए। अब जीता हुआ एरिया था वो आपस में बांटा। ऑस्ट्रिया रशिया ने पोलैंड को डिवीज़न कर लिया। सबसे पहले तो किसका डिवाइड किया? पोलैंड को। पोलैंड को पर्शिया, ऑस्ट्रिया और रशिया ने डिवाइड कर लिया। साथ में जो कन्फेडरेशन किया गया था 39 स्टेट्स को, जर्मन के 39 स्टेट्स का कन्फेडरेशन किया था, इस कन्फेडरेशन को विदाउट टच रहने दिया। इस कन्फेडरेशन को उन्होंने कोई भी चेंज नहीं। सो 39 जो स्टेट्स थे जो जर्मन के कन्फेडरेशन किए गए थे नेपोलियन के थ्रू, उनको अनटच रखा, क्योंकि दिस वाज गुड फॉर ट्रेडर्स। एंड जो सैक्सोनी वाला जो पार्ट था वो पर्शिया को दिया गया। साथ में नीदरलैंड और बेल्जियम के साथ एक टेरिटरी, मतलब बेल्जियम और नीदरलैंड को दोनों को मिलाकर एक किंगडम फॉर्म हुआ, किंगडम ऑफ नीदरलैंड, जिसमें बेल्जियम को उसका हिस्सा बनाया गया, जो आप बाद में पढ़ेंगे कि बेल्जियम बाद में सेपरेट हो जाता है 1830s में अगेन, और बेल्जियम नीदरलैंड से ब्रेक अवे हो जाता है जैसे ही वहाँ पर जुलाई रेवोल्यूशन होता है फ्रांस में। साथ में जो पोलैंड था डेट वॉज डिस्ट्रीब्यूटेड बाई रशिया, पर्शिया एंड ऑस्ट्रिया, इन तीनों के बीच में पोलैंड को डिवाइड कर दिया जाता है, जिसे वापस से नेशन स्टेट बनता है। और नेशन स्टेट बनाने में कैरोल कुलबेंसी की और साथ में जो वहाँ की लैंग्वेज थी वो एक इम्पॉर्टेंट वेपन बनती है नेशन क्रिएट करने के लिए। तो इससे कि पोलैंड वापस से नेशन कैसे बनता है ये हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। एंड दिस इज़ ऑल अबाउट द पार्ट 1 and 2 ऑफ दिस चैप्टर, राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।